स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर। इसमें बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2022 आया हुआ है, इसका आप सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है, इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के इंस्टीट्यूट्स, अटल बिहारी वाजपेयी से जितने भी संबंध हैं वो सभी के सभी एक ही फॉर्म के अंतर्गत आ गए हैं अब KGMU के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको फीस देनी होती है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अलग फीस रहेगी और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो संबंधित मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं करीब, उनकी अलग फीस रहेगी। तो दोनों की फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं KGMU की हॉस्टल के साथ और विदाउट हॉस्टल। यानी विद हॉस्टल आपको 48,100 रुपये देनी है, थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है पर ये लास्ट ईयर की फीस के टर्म्स में है तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही रहती है। यहाँ पर 43,200 रुपये विदाउट हॉस्टल रहेगी, यानी करीब 5,000 के आसपास का डिफरेंस है। फिर यहाँ OBC SC ST के लिए 42,100 रुपये विद हॉस्टल, 37,200 रुपये विदाउट हॉस्टल। तो ये फीस है, आप पर फीस लेना है या नहीं। तो इन सभी का टोटल फीस स्ट्रक्चर जो है ये इतनी है KGMU की। यानी जो BSc नर्सिंग अगर आप करते हैं तो ये फीस आपको चुकानी होगी कैटेगरी वाइज। क्लियर हो गया। अब यहीं पर बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अब इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर हैं, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो किसी की आपको 3,500 रुपये भी फीस पड़ेगी किसी इंस्टीट्यूट की आपको 10,000 भी पड़ेगी, किसी की 10,000 भी है और किसी के साथ साथ 10,000 के आसपास, 10,000 से ज़्यादा आप देख सकते हैं, 10,000 से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 10,000 से ज़्यादा यानी 12,000 भी हो सकती है किसी की 22,500 भी हो सकती है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की भी बात कर रहे हैं, और किसी में 27,500 भी हो सकती है और किसी में आपको 40,000-42,000 भी देखने को मिल सकती है। ये सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। लगभग जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी का है तो उसकी कम फीस है, उसकी 22,000 समथिंग फीस है, किसी की 10,000 है। जैसे आपका गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल यूनिवर्सिटी कानपुर है, मेडिकल कॉलेज कानपुर है, मेरठ का है, तो ये सबके अलग अलग जो कॉलेजेस हैं अलग अलग उनकी फीस स्ट्रक्चर्स है। तो किसी की 10,000, किसी की 12,000, किसी की 22,500, किसी की 27,500, किसी की 40,000-42,000, इस तरीके से सब इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग फीस है। KGMU की आपके सामने है। और अगर यहीं पर हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, करीब 72,000 होगी या 1,00,000 के आसपास तक भी फीस हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड फीस है, हमने जितनी भी आपको फीस बताई है लगभग है उसी के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि सत्र बदलते हैं तो फीस के कंडीशंस और चीज़ें कम और ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, नए रूल्स के साथ नए आएंगे, क्योंकि ये तभी आपको पता चलेगा जब आपकी काउंसलिंग होगी, उसके पहले संभव नहीं होता क्योंकि ये लोग अपनी डिक्लेयर नहीं करते। तो यहाँ पर जो फीस है एस्टिमेटेड जो फीस है पर ईयर वो हमने आपको बता दी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ तो वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट की फीस 3,500 से लेके करीब करीब 40,000 रुपये तक पर ईयर आपको देनी होगी, तो आप समझ गए होंगे। और सामने तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वह मान के चलिए 3,500 से लेके जो है आपकी करीब 40,000 रुपये तक आपको चुकानी होगी गवर्नमेंट फीस। ये है किसी की कितनी हमने बताई।
उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी भी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर शामिल हैं, उनकी भी फीस उसी तरीके से होती है। और अगर यहीं पर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली जाए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अटल बिहारी वाजपेयी के जो होते हैं, हमने बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो आपके सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो हमने फीस आपको बताई वो आप मान के चलिए कि जो है 72,000 से लेकर करीब 1,00,000 रुपए तक जो है आपको चुकानी आप पड़ सकती है। 1,00,000 रुपए तक जो है इसकी फीस, टोटल फीस सब मिलाकर चुकानी पड़ सकती है। तो ये इतनी फीस इसकी होगी अटल बिहारी की और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की आपके सामने है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी आपके अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।